बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन कांडी कबाब। तो यहाँ हमारे पास है कांडी, इस तरह से पैकेट में मिलता है, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो चिकन, हमने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं, ये देखिए छोटे छोटे पीस हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून हमने इसके लिए कॉर्नफ्लोर, आधा नींबू का रस, हाफ टी स्पून थोड़ा सा कम जो हमने लिया है फूड कलर, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे लिया हमने 1/2 टेबल स्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये चाट मसाला 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून है ये रेगुलर वाली लाल मिर्च, ठीक है, और स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए सबसे पहले मैं चिकन में अदरक लहसुन और नींबू का रस मिला देती हूँ। ये सारे मसाले मिला दूंगी मैं, अंडा नहीं डाली हूँ, अगर आपको अंडा चाहिए तो आप यहाँ पे अंडा भी डाल सकती हैं। ये सारे मसाले मैं डाल देती हूँ इसमें, अभी सब्जियों को अच्छे से मिला लूँगी। तब यहाँ पे चला जाएगा मैदा, फूड कलर और कॉर्नफ्लोर, इन सबको अच्छे से मिला लूँगी, और इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून दही। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फटी हुई दही, तो इसको अच्छे से मिला लूँगी। यहाँ पे देखिए मिक्स हो गया, अब इसको आधा घंटा के लिए मैं रेस्ट पे रख दूँगी, फ्रीज में रख दूँगी आधा घंटा के लिए, आधा घंटा के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपके पास नींबू नहीं है तो आप यहाँ पे विनेगर भी, वाइट विनेगर डाल सकते हैं 1 टीस्पून, ठीक है, आपको पसंद है तो अंडा भी डाल दीजिए। तो चलिए यहाँ से मिलते हैं आधा घंटे के बाद। तो यहाँ पे देखिए चिकन को आधा घंटा हो गया, तो मैं इस तरह से कांडी लूँगी, कांडी को हमने पानी में भिगा के रखा था, तो अभी इसमें एक एक पीस करके लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम एक एक पीस लेंगे, हम 4 से 5 गोटियाँ इसमें लगाएंगे, ये देख सकती हैं आप इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम 4-4 पीस लगा देंगे, और सारे में लगा के मैं रख दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए आप देख सकती हैं इस तरह से, तो ये देखिए हमने सारे कांडी में लगा लिया चिकन, तो हमारे चिकन कांडी कबाब बनकर रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। ये बहुत बेचैन बेन परेशान है कि जल्दी से मैं जाऊँ फ्राई हो जाऊँ क्रिस्पी बन जाऊँ। क्या है इसमें मैं एक एक करके कांडी डाल दूंगी, देख लीजिए इसी तरह से सारे डाल के मैं फ्राई करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं पलट रही हूँ, देखिए एक साइड में हो चुका है तो दूसरे साइड में पलट रही हूँ, सारे चीज़ों को पलट दूंगी, ये देखिए। तो आप लोग जल्दी से जाए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे वीडियो को, फेसबुक लाइक से सब्सक्राइब कर लिया करें प्लीज प्लीज। तो यहाँ पे देखिए हमारे सीख कबाब तैयार हो चुका है, तो चलिए इनको निकाल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे जो है चिकन बोटी सीख कबाब रेडी है तैयार होकर। तो ये देखिए आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत क्रिस्पी, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बना है, तो इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे होती है मेरी वीडियो क्लास, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, शी यू।